मेहंदी बनाना नहीं आती है लेकिन बनाना चाहते हो अपने हाथ पर। इसके लिए चाहिए हमें स्केल और एक चाहिए हमें पेंसिल। पर तनिषा, स्केल और पेंसिल से मेहंदी कौन बनाता है? कोर से बनाते हैं ना मेहंदी को। हाँ हाँ, मुझे पता है। सबसे पहले हम पेंसिल को स्केल पर घिसेंगे जब तक कि उस पर एक लेयर ना बन जाए। फिर स्केल से हम एक बेल्ट जैसा निशान लगाएंगे। इसके बाद हम दोबारा इसे घिसेंगे। हाथ को आधा कट करती हुई लाइन बनानी है। ये सब तुम क्या कर रही हो? अरे रुको, तो बहुत सुंदर डिजाइन बनने वाली है। अब हमें रिंग्स की तरह फिंगर्स बना लेनी है। बेल्ट के ऊपर नीचे हमें एक एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। अरे ड्रॉ ही करती रहोगी या कौन से कुछ बनाओगी भी? हाँ हाँ, अब हम बेल्ट वाली लाइन को डार्क करेंगे। इसके ऊपर एक पतली लाइन बनाने के बाद कंगूरे बना देंगे। थ्री लीव से हम इस डिजाइन को एंड करने वाले हैं। डिजाइन एंड करने के बाद हाथ पर बनाई हुई लाइन को डार्क कर देंगे। डार्क लाइन के ऊपर हम एक पतली लाइन बनाएंगे। उसके ऊपर दोबारा हम कंगूरे बनाएंगे। कंगूरे बनाने के बाद हम इस पर एंड करने के लिए डॉट डॉट्स लगा देंगे। बाद हम फिंगरिंग्स बनाएंगे। फिंगरिंग्स बनाने के बाद हम जो बॉक्स खाली है उसके अंदर हम आड़ी लाइनें खींचना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम खड़ी लाइंस खींचना स्टार्ट कर देंगे जिससे हमारे चेक्स बन जाएंगे। उसके अंदर डॉट डॉट लगा देंगे। जितनी भी फिंगर्स है उसके अंदर हम जलेबियां भर देंगे। जो हमने बेल्ट बनाया था उसमें भी जलेबियां भर के हम एंड कर देंगे। फिंगर्स एंड के लिए कंगूरे बनाने के बाद लीव्स बनाकर हम उसको भर देंगे। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है। अमेजिंग, तुमने तो कमाल कर दिया तनिषा।